वीडियो में जो आपको ये दरवाजे दिख रहे हैं, ये कोई साधारण दरवाजे नहीं हैं, ये राम मंदिर के दरवाजे हैं। इन पर सोना चढ़ाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सोना ट्रस्ट की तरफ से चढ़ाया जाएगा। दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये अयोध्या मंदिर के 200 मीटर लंबी सुरंग के निर्माण का है। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन का आकलन है कि हर दिन 1.5 लाख भक्त राम मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसे में उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इस बात की पूरी तैयारी की जा रही है। सुनिए विनोद मेहता क्या कह रहे हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। परकोटे में कुछ टर्नल बनाए जा रहे हैं, वो क्या है? मतलब इसके लिए जब आपको मालूम है कि यहाँ पे दर्शनार्थी जो आएंगे उनकी संख्या, तो मतलब हम अभी आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कितनी है। बट अभी जैसे कि पीक टाइम में हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है कि 1.5 लाख दर्शनार्थी डेली आ सकें। तो जब इतने पब्लिक अंदर आएंगे और जो ये परकोटा को क्रॉस करके ही उनको अंदर आना पड़ेगा मंदिर में, तो जो परकोटा में जो भी दर्शनार्थी परिक्रमा लेंगे और जो अंदर आने वाले हैं उनका आपस के अंदर में क्लैश नहीं हो, तो इसके लिए इस साइड में हमने एक टनल बनाई है। तो जो कि जब भी परिक्रमा करे पब्लिक, वो नीचे उतर के टनल के थ्रू आगे बढ़े और जो मंदिर में आने वाले हैं वो ग्राउंड फ्लोर से आ सकें। टनल के ऊपर क्या होगा? टनल के ऊपर में वही पत्थर लग के छत लग जाएगी और उसी के ऊपर में परकोटा बन जाएगा। तो उस पर क्या कोई गेट द्वार भी बनेगा वहाँ पर? बिल्कुल, द्वार तो परकोटा में है। तो ये जो द्वार है, मेन द्वार, वहीं से दर्शनार्थी आ रहे हैं और वहीं से आके फिर मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे।